बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशन को देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली एम्पियर्स लॉ, फेराडेज लॉ और गॉसेज लॉ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इन तीनों लॉज से मिलकर जो इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, हम उनको मैक्सवेल इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन को देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली हमें क्या बताती हैं, बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो किस तरह प्रोपागेट करती हैं, किस तरह इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, और किस तरह ये इन्फ्लुएंस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो हम अब अपनी मैक्सवेल इक्वेशन को इसकी डेरिवेशन को देखते हैं और इसके जो स्टेप्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बेसिकली हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पार्ट ए को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर पार्ट बी, पार्ट सी एंड देन इसका पार्ट डी होगा, ठीक है। तो अगर इसके पार्ट ए को हम डिस्कस करते हैं तो सिंपल हमारे पास एक फेराडे लॉ है जिसका बेसिक अगर हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ यूँ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसकी, तो ये इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास फाई है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के, ठीक है। अगर हम इसको मैक्सिमम कर लें एंगल को तो हमारे पास ये आ जाएगा बी ए, ठीक है। अच्छा, अगर इस फाई की वैल्यू हम यहां अरेंज कर दें इस फॉर्मूले में तो ई इज इक्वल टू डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो इसका एरिया कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम इस एरिया को डेल्टा से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर वन हमारी फॉर्म हो जाएगी जिसमें ई इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ई एम एफ का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है विच इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज यानी W अपॉन Q। अब हमें मालूम है कि W इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, तो हम इसको W को FD से रिप्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में Q चार्ज मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन देखते हैं तो वो हमारे पास होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। यहाँ से अगर हम F की वैल्यू को अरेंज करें तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल ई, यहाँ पे क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डी को देखें तो यहाँ हमारे पास ये डी बेसिकली अगर एक कॉइल मौजूद है जो कि एक सर्कुलर शेप में मौजूद है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इसीलिए डी इक्वल है टू पाई आर के। इन तमाम वैल्यूज़ को यानी एफ और डी की वैल्यूज़ को अगर हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो देखिए इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ई इज इक्वल टू क्यू इंटू कैपिटल ई इंटू टू पाई आर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। अब देखें क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू टू पाई आर। यहाँ पर ये जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये वाला जो ई है बेसिकली आपके पास ई एम एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन टू हमारे पास फॉर्म हो गई। इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये जो 2 पाई आर है इसको हम दूसरी तरफ मूव कर देते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन हाइलाइटेड इक्वेशन आ जाएगी जो कि ए पार्ट हमारी मैक्सवेल इक्वेशन का इसका रिजल्ट है विच इज ई इज इक्वल टू यानी ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैपिटल ई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है जो कि मैक्सवेल इक्वेशन का पार्ट ए है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली रिलेशन में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, क्योंकि ये जो ए और 2 पाई आर है ये अगर हम कॉन्स्टेंट कर लें तो ई और डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा जिसके मुताबिक जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसका ए पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें मैक्सवेल इक्वेशन के तो बी पार्ट के लिए सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, विच इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम अपने आय की वैल्यू पुट करते हैं, और आय हमारे पास इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी डेल्टा क्यू ओवर टी। अब सिंपल, हमारे पास अगर आई की वैल्यू है तो हम इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बी कुछ इस तरह फॉर्म हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्यू इक्वल होता है सी वी के, ठीक है। अगर हम अपने कैपेसिटर की बात करें तो सी की वैल्यू को अगर हम क्यू की वैल्यू को अगर हम यहाँ अरेंज कर दें, तो ये इक्वेशन देखिए कुछ यूँ हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू डेल्टा सी वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस सी ये हमारे पास इक्वल होता है ए एम साइलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पर ये जो वी है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल ई इंटू डी। अब ये दोनों वैल्यूज सी और वी की अगर हम वापस इक्वेशन में अरेंज कर दें, तो देखिए इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू डेल्टा ए एम साइलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, सी की वैल्यू है, और वी की वैल्यू अगर हम अरेंज करें तो ई इंटू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास ये जो स्मॉल डी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ यूँ होगी कि देखिए ये जो एम साइलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली इक्वेशन कुछ यूँ हाईलाइट हो रही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, इंटू एन इंटू एम साइलॉन नॉट डेल्टा ए कैपिटल ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी जो ए इंटू ई है ना, ये हमारे पास फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हम ई इंटू डेल्टा ई इंटू ए या ए इंटू ई को अपनी इस इक्वेशन में अरेंज करें और इसकी जगह फाई को पुट कर दें, तो देखिए इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी फाइनली, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एम साइलॉन नॉट, ठीक है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब देखें ये जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो रही है, ये मैक्सवेल इक्वेशन के पार्ट बी का रिजल्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इक्वल के बाद म्यू नॉट एन एम साइलॉन नॉट, ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है, ठीक है। इक्वल और कांस्टेंट अगर हम हटा देते हैं तो ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है बी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। मीन्स अगर हम इसको बोलें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंड्यूस होगी या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो ये बी और डेल्टा फाई और डेल्टा टी का रिलेशन डायरेक्ट हमें इसके पार्ट बी में नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने मैक्सवेल इक्वेशन के पार्ट सी की बात करें, तो सिंपल हम इसमें यूं समझ सकते हैं, यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन का ये पार्ट सी हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। और ये जो फील्ड का जनरेट होना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेट होना है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी या इसकी वाइब्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यू कर सकते हैं, अ चेंजिंग ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इन टर्न क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस और वेव्स आर जनरेटेड, द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद चेंजिंग वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है, सिंस इट विल क्रिएट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ वायर इज ऑलवेज चेंजिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने मैक्सवेल इक्वेशन के पार्ट डी की बात करें, तो डी पार्ट हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैक्सवेल की प्रिडिक्टेड थ्योरी के मुताबिक या थ्योरेटिकल इक्वेशन के मुताबिक जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस में, वो कुछ इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो सकती है, जो कि कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रहा है, सी इज इक्वल टू वन ओवर एम साइलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। ये म्यू नॉट और एम साइलॉन नॉट की अगर हम वैल्यूज देखें तो वो कुछ ये है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, और जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, वो इक्वल है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अगर हम अपने इस फॉर्मूले में अरेंज कर दें तो हमारे पास सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाएगी, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशन के कंक्लूडिंग पॉइंट्स को देखें, वो तो सिंपली यूं हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूं डिफाइन कर सकते हैं. मैक्सवेल इक्वेशन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज द सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. हेंस टू कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड विजिबल लाइट आर द सेम थिंग्स. ठीक है, फेराडे मैक्सवेल लॉ शोज दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह अगर हम देखें तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ शोज दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. इट फॉलोज दैट व्हेन आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड varies with time, the other field is induced in the space. The net effect is that an electromagnetic disturbance is generated due to changing electric and magnetic fields. The disturbance propagates in the form of an electromagnetic waves. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज.